हे गाइस, गुड इवनिंग। 11 बज रहा है और 11 जनवरी है रात। हमने एक सरप्राइज प्लान किया था कि बढ़िया सा एक केक लाएंगे, फ्लावर्स देंगे। फर्न्स एंड पेटल को बोला मिडनाइट डिलीवरी ले लेना, 250 रुपये पर ऑर्डर लिया। लेकिन भाई साहब 10 ही बजे पल्लवी कॉल कर दिए कि मैडम आपका केक और वो आया है तो मिडनाइट डिलीवरी, क्या हम 10 ही बजे दे दें आके आपको? तो फर्न्स एंड पेटल वाले अगर सुन रहे हो तो बहुत गलत किए हो तुम लोग, है ना। मतलब लोग डिलीवरी के लिए पैसा दिए और तुम पहले ही सरप्राइज तोड़ दिए। बट एनीवेज, अभी पल्लवी को मालूम है, सो ऐसे दिखते थे हम, ऐसी थी पल्लवी। और अभी हो गया 4 साल हम लोगों को, सो बर्थडे भी आ रहा है। तो आज चलिए सेलिब्रेट करते हैं, 12 बजे एग्जैक्ट, 11 तारीख, मतलब 12 लग जाएगा। सो कट द केक, थोड़ा बहुत बगल वालों को बुलाया हुआ है और फिर कल जाएंगे कहीं पर पार्टी वार्टी करेंगे। वाह, क्या बढ़िया फोटो है। मनीष तो लौंडा लग रहा है, पल्लवी भी बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही है। और ये कौन है? मुझे भी इतना छोटी सी बच्ची अरे हम लोग बच्चे थे ना शादी में, अभी बड़े हो गए हैं 4 साल में। लार्ज से ट्रिपल एक्सल, यस हम भी कहाँ लार्ज से अभी हो गए ट्रिपल एक्सल। मुझे भी ट्रिपल एक्सल ही आता है। चलिए अभी आ गया शायद फर्न्स एंड पेटल्स, उसको लेते हैं और फिर दीपिका को बोला है अगर वो जगे रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो हम ही लोग काट के खा लेंगे। वो बेचारा बहुत देर से नीचे बैठा हुआ है। 10 बजे के बाद, 11 बजे हमने बोला उसका मिडनाइट है, 11 बजे के बाद तो फायदा क्या, वो मिडनाइट डिलीवरी चार्जेस दे पता नहीं। देगा। अभी अभी अब कल फीडबैक आएगा दे देंगे 10 ही बजे। और उसने जानते हो गेट पे आके मेरे को बोला कि सर वो अप्रूव कर दीजिए, बहुत ठंडक है, अंदर आके हम बैठ जाएंगे रिसेप्शन पे, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे 11। अब इतना वो था क्या, ने कहा चलो भाई तुम जल्दी आ जाओ, ऐसे ही दे दो, वेट क्या करोगे तुम 11 साढ़े 11 का। अभी बेचारे का बुलाया है। एरिया वैसा है ना। हाँ हो सकता है उसको घर जाना हो, दूर हो। अब मतलब पोर्टल वाले तो ले लेते पैसा, लेकिन अब तो इन लोग बेचारे क्या कर सकते हैं, ये तो वर्कर्स है ना, इन लोग को घर जाना होता है। तो एनीवेज आओ, बुलाया है, आ रहा होगा, ले लो डिलीवरी। वो भी हम ही ले। अब क्या करेंगे, जल्दी ले लो, रात को 12 बजे आया था, अब जल्दी ले लो। फिर चलते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करके आते हैं, केक काटो, खत्म करो ये सब खत्म करो यार, बहुत हो गया। मेन जो है अपना अट्रैक्शन रहेगा। फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज खत्म करो, ये तो फॉर्मेलिटी होता है। ये चलो तो आ अभी जाओ आ कुछ जाओ। सालों से पहले, बहुत अभी तो रीसेंट सालों से हुआ है कि 12 बजे केक काटा, लेकिन बचपन में तो हम लोग बस शाम को फ्रेंड्स फ्रेंड्स आते थे उसी समय केक काटते थे। लेकिन ये कौन है और ये कौन है, ये कौन है? वो हो जाएंगे दोबारा करें। पतली कमर मेरे, आए हाय हाय, फिर ची नजर है, आए हाय बस मजाक उड़ा लो, देख लेना बस कुछ महीने में फिर कुछ पे। महीने पे हम दोनों को ऐसे ही वापस होना है कि नहीं? तुम्हारा पता नहीं, मैं तो हो जाऊंगी। तुम्हारा पता नहीं, मैं तो हो जाऊंगी। आ जाओ, अच्छा आ जाओ, चलो चलो चलो, फिर बाहर निकलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं नीचे। क्या पिक्सी, वाज देयर? नो नो नो। सो गो आया। थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये हुई ना बात, रेड रोजेस, पिंक रोजेस। पिंक रोजेस और केक। हाँ सही लग रहा है। वाह वाह, वाह, हैप्पी वाइफी टू बी मॉम। बर्थडे वाइफी टू बी मॉम। पिक्सी पूरा एक्साइटेड है, अम्मा के बगल में बैठना है। पिक्सी भी काली, मैं भी काली। और ये कहाँ जाएगा फिर? क्या नोट आया क्या उसके मतलब क्वालिटी देखो डिटोरियट हो गया। 4 साल पहले ये उस पे आता था, हार्ड पेपर में आता साथ? हार्ड था। पेपर में आता था, बढ़िया सा एक गिफ्ट। वी गो बैक, ये सब 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 चीजी लाइंस से सब लिखी रहती है उसमें, बस सेलेक्ट कर लो कुछ भी है। वही किया ना। वही किया। पहले उसमें आता था एडिट ऑप्शन, खुद से लिखो। अच्छा, नहीं उसमें और बढ़िया सा कार्ड बना के। नहीं अभी अभी नहीं भी है। था, अभी मैंने नहीं देखा उसमें कस्टम। तुमने देखा था क्या? यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू राइट समथिंग। सो 12 बज गया है,
एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पल्लवी. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. कहाँ दे रही हूँ पार्टी? कहीं तो दोगी? घर ही में, घर ही में. हॉस्पिटल में दो तो सबसे अच्छा. सब तो वही है, कर रहे थे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. तुमने सबको बोल दिया 12 जनवरी. मैंने कब बोला? तुम बोले ना, ये एक ही दिन हो गया तो अच्छा था बीवी बच्चे का. हाँ, अच्छा तभी सबको पता चला. मुझे लगा मैंने ये कमेंट मारा था तब. हम तो सोचे आज ही पल्लवी को हॉस्पिटल ले जाएंगे. आजकल आजकल ये होता है कि आपको किस दिन की डिलीवरी चाहिए, है कि नहीं? तो वही है कि किस दिन चाहिए आप उस दिन ले लो. तभी अपने ससुर पार्टी धोना पड़ेगा बच्चे का. हाँ देखते हैं, देखते हैं तो मतलब धोते ही हैं वैसे. लेकिन ये बात सही कही, हम यही सोच रहे हैं कब ये निकलेगा. मैं भागू कब, कब ये निकलेगा, कब मैं भागू. डिलीवरी हुआ यहाँ से, मनीष गाड़ी लेके गया. नहीं पल्लवी के बिना तो ब्लॉगिंग होगी नहीं. पल्लवी तो मेन हीरोइन है, है ना? क्यों पल्लवी? तो है मनीष को ऐसे किसी ने गलती सब निकाल दिया सुपर. और लोगों ने बोला कि दो दो बार सब चीज धो, तो अभी दो दो बार धोया है इसने. अब थोड़ा सा उन लोगों को वो दिला रहे हैं कि चलो तुम बाहर सुन है, आदत दिला रहे. और बोलो भौंकनी नहीं रात में, बच्चा रुक जाए. पिक्सी भी आ गई, इसका भी खिला दो. वैसे ही खाएगी नहीं, चूजी है. पिक्सी गुड गर्ल. अब हाथ धो लो तुम. व्हाट? पिक्सी गुड गर्ल. खा गई क्या पिक्सी? वो खा गई. व्हाट वाह. हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो. पिक्सी और दीपिका का फेस टू फेस. पिक्सी दीपिका, दीपिका पिक्सी. तुम बस, तुम बस एक बार बोलो पिक्सी क्या हाल चाल है. कुछ देखो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करेगी ना, प्यार से बोलो जैसे बोलते हो. पिक्सी क्या हाल चाल है? नहीं उसका उसको वो भी हाथ रखी हुई है. गो 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 गो. क्या हुआ पिक्सी? डायपर पहनना पड़ा, डायपर पहनना पड़ा पिक्सी. सो गुड मॉर्निंग गाइस. तो पिक्सी का हो गया है पीरियड स्टार्ट. साल में दो बार होता है, हर 6 महीने में. सो इसको अभी एडल्ट डायपर पहनाया है क्योंकि नहीं तो पूरा गंदगी करेगी. और ये देखिए सुबह सुबह 10 बज रहा है. क्या सुंदर व्यू है. सुबह पूरा कोहरा था और अभी पूरा क्लियर. गर्मी भी है. पिक्सी आर यू कम्फर्टेबल? आर यू कम्फर्टेबल पिक्सी? देखते कितना देर पहन के रखती है. मेरे लिए स्पेशल क्या बना रहे हैं आप? छोले बना रही हूँ, शाही पनीर बना रही हूँ, भटूरे बना रही हूँ. वाह, आटा बना के रखे अभी छानना है. अरे वाह, ये खमीर बढ़िया उठा रहे हैं. यहाँ छोले है, पनीर है, राइस बन चुका है. और इस तरफ खीर बन चुका है एज अ स्वीट डिश. लेकिन इसमें बहुत कम चीनी पड़ा है, मतलब मैं खा सकती हूँ. जो भटूरे छानने के लिए तीन तीन लोग किचन में. क्यों भाई, क्यों भाई? हमने कहा जल्दी जल्दी कर दो, बेचारी का लेट भी हो गया है फटाफट. और ये भुका रही है, जल्दी कह रही है जल्दी बनाओ. हल्का हल्का ऐसे घुमाते रहते हैं.
तेल ज्यादा गर्म हो गया क्या? फिर देखो जहाँ से फूलने लगे फिर इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे दबा कर रखना है, इससे क्या होगा, अरे नहीं फूलेगा अभी थोड़ा सा मेरे से फूल गरम गरम रहेगा ना, गरम गरम में फटाफट डाल दीजिए तुम्हारा भी काम जल्दी हो जाएगा। खूब काम कर रहे हो आज, क्या हो रहा है? तुम भी बैठो, तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं, आज बर्थडे तुम्हारा है कि नहीं है? जाओ जाओ बैठो, तुम्हारा ठंडा हो रहा है, फोटो ले चल रहे छोले बढ़िया बना ना, पनीर तो हमने एक्स्ट्रा बनवा लिया था कल खाएंगे, छोले हमने इसलिए बनवाए थे, देखो हमेशा हम लोग स्टोरेज इंजीनियर है ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा रखते हैं अच्छे पार्टनर, एक खराब हो दूसरा सही होना चाहिए। छोले हिट हो गया, छोले हिट हो गया है, छोले पनीर नहीं खाया ना तूने? खाया भटूरे थोड़े से वो हो गए, उसने सूजी डाल दिया भटूरे में और दही डाला लेकिन बेकिंग सोडा डालने में, हमने सूजी कब पड़ता है भटूरे में, लेकिन एक बात है भले तो बर्थडे बहुत सादा सादा बना है, इस बहुत सादा बना है बर्थडे और क्या, किसी कोई तो हमारा सब्सक्राइबर था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, कहता आप लोगों ने इतना मटन चिकन खा लिया कि पता नहीं कितने जानवरों को मार डाला तो हमने कहा चलो उनकी याद में आज हम वेज खा लेते हैं और तुम्हें वेज खिलाते हैं, तो ये शाम उस सब्सक्राइबर के नाम। सो खाना पीना हो गया, बहुत ही अच्छा रहा घर का खाना, देसी वाला बर्थडे सेलिब्रेशन घर ही पे ही अच्छा था, और आप लोग ने भी मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए हैं विश कर रहे हैं मेरे को हैप्पी बर्थडे, तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने विश किया अपनी ब्लेसिंग्स दी, सो थैंक यू सो मच, और आज का दिन ऐसे ही गया अच्छा रहा, और फिर कल है 13 तारीख और इस बार मकर संक्रांति 15 को है शायद, और जो हम लोग का भोगाली बिहू है आसामीज ट्रेडिशन में, तो एक दिन पहले भूज होता है और फिर नेक्स्ट डे संक्रांति होता है, तो 14-15 है, तो उसका भी थोड़ा सा करेंगे, कुछ प्लान्स है इस बार तो आसाम में नहीं है, नहीं तो आपने पुराना वीडियोस देखा होगा हमारे 2 साल पहले आसाम में हम लोग सेलिब्रेट किए हैं लगातार लास्ट 2 ईयर्स, तो इस बार बैंगलोर में कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि कैसे बारबेक्यू करें, कैसे बॉनफायर करें और कैसे मेजी जलाएं, सो विल फिगर इट आउट, तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट। सो पिक्सी का पीरियड्स हो गया है, कल तो डायपर पहनाया था, आज वो डायपर पहन नहीं रही, तो आज ये पैंटी लाइनर पहना रहे हैं पुराने किसी पैंटी में लगा के, सो लेट्स सी अभी ये पहनती है कि नहीं पहनती, क्योंकि पूरे घर में गंदगी फैला रही है। पिक्सी यहाँ, गुड गर्ल, चलो ये पहनो, ये पहनो तो फीमेल डॉग रखने का ये एक आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, हर 6 महीने में उनको पीरियड्स होता है, बट या जस्ट मैटर ऑफ 2 वीक्स। चलो उठो, उठो उठो, काटे उठो, स्टैंड अप, गुड गर्ल, वेट वेट, धीरे से लेना, हो गया, बस यही करना था, गुड गर्ल, गुड गर्ल भाई, वेरी गुड गर्ल, ये नीड बो, कम देखो क्या यहाँ कम है, गुड, चलो आ जाने, चल। सो बर्थडे हो गया अभी आज, कल का खाना बहुत सारा बच गया है, अभी बस दाल चावल बनेगा और जो सब्जी है वही खा लेंगे, और अभी किचन में पूरा प्रिपरेशन हो रहा है संक्रांति के लिए, तिल का लड्डू, नारियल का लड्डू, तो और कुछ कुछ बनेगा, तो देख लेते हैं, मैं मनीष को बोली कि मेरा एक देख लेती हूँ, अगर 140 के नीचे शुगर आएगा तो मैं एक पीस केक खा लेती हूँ, लेट्स सी अगर 140 के नीचे आना चाहिए। Ow!
140 से केक खाएंगी 140 में अगर कल ज्यादा हो गया मैदा फैदा ना और क्या बटुरे बटुरे खाया था ये चीज मैंने देखा है आज मैंने सूजी का चिल्ला खाया था तो सूजी पोहा ये सब खाने से शुगर शॉर्ट अप कर देता है लेकिन वही मैं अगर खाली अंडा खाऊं और ग्रीन्स खाऊं और फिर ओट्स खाऊं तो शुगर कंट्रोल रहता तो अब बताइएगा सूजी वूजी खराब होता है क्या यू नो नाउ व्हाट टू ईट राइट यू ऑलरेडी टेस्टेड इट प्रैक्टिकल तुमने कर लिया ना तो लोगों से क्या पूछो इसका रीजन पूछो बात अलग है लेकिन अभी खाना बंद कर दो सूजी जी डोंट डू दैट कल मैंने खीर भी खा लिया था वाह मैदे का भटूरा भी खा लिया था दो पक्का बिल्कुल मूड में हो कटवाने के हैं सो एक आइटम हम लोग का रेडी हो चुका है ये है नारियल का लड्डू ये चीनी वाला है वैसे तो हमारे असम में फ्रेश नारियल का बनता है तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है लेकिन इस बार मैंने अमेजोन से जो नारियल का पाउडर मिलता है ना ड्राई वाला वो मंगाया और इसको बनाया हमारी कुक दीदी ने बनाया है टर्नड आउट गुड लेट्स सी अभी ड्राई होने के बाद क्या है अभी थोड़ा सा ढीला है तो अभी इसके बाद हम नारियल का ही गुड़ वाला लड्डू बनाते हैं और वो भी दिखाते हैं आपको सो अब बनने जा रहा है नारियल का ही लड्डू लेकिन इस बार हम गुड़ डालेंगे तो अभी घी थोड़ा सा डाल के पहले नारियल को थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद गुड़ डालते हैं गुड़ भी पाउडर वाला गुड़ मंगाया है अमेजोन से सो ये वाला गुड़ वाला नारियल लड्डू रेडी हो गया है देखने में तो टेस्टी लग रहा है खाने में भी टेस्टी होगा सो ये दो आइटम रेडी अब बनने जा रहा है तिल का लड्डू सो तिल को हम लोग ने धो के सुखा लिया था और अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे और उस पर गुड़ मिलाएंगे तिल का लड्डू बढ़िया बन रहा है सो इसमें गुड़ और तिल हमारा तिल का लड्डू भी तैयार हो गया है और बढ़िया दिख रहा है तो इसको थोड़ा देर ठंडा होने देंगे और फिर डब्बे में घुसा देंगे क्यों जो खाना है क्या तिल का लड्डू पिक्सी ए जो कहाँ बैठे रास्ते में पिक्सी को तो मजा आ रहा है इसकी नई पैंटी पहना दी गई है तो अभी लोहरी आज है लड्डू और तिल के लड्डू पीठा और क्या कहते हैं नारियल लड्डू बनाए और बढ़िया छोला भटूरा भी खाया और आज देखिए बन रहा है समोसा तो कुछ बच गया था आटा तो अभी समोसा बनाया जा रहा है तुम ये क्या कर रही हो वही मैं अपना बर्थडे गिफ्ट ले रही थी अच्छा ये तो ले लो ना तो यूएस डॉलर में क्यों चेक कर रही हो वहां ले लेंगे ईसीजी वाला लेना और ईसीजी और उसमें क्या है ना हार्ट बीट वाला और यही है सीरीज 8 हाँ तो ये ले लो ये तुम्हें बहुत काम आएगा सेलुलर वाला ले रही होगी नहीं मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है सेलुलर में मेरा जो एग्जिस्टिंग फोन वाला नंबर है उसी से काम चल जाएगा कि दूसरा नंबर लेना पड़ेगा ये तो मुझे पता नहीं बच्चे क्योंकि देखो अगर दूसरा नंबर लेना पड़ेगा तब तो फायदा नहीं है मुझे सेम ही नंबर चाहिए कॉल तो मुझे उसी नंबर पे आएंगे ना फोन पे जो आएंगे लिखा मेक कॉल्स एंड सेंड मैसेजेस विद जस्ट योर एप्पल वॉच करो करो ऑर्डर करो मुझे बताओ कब आ रहा है ये मंडे को आएगा सो हमारे अपार्टमेंट में हो रहा है लोहड़ी सेलिब्रेशन तो मैं और मम्मी पापा आए हैं नीचे देखने की क्या हो रहा है सब डांस वैंस हो रहा है बॉनफायर के आगे तो आप लोगों ने देखा बढ़िया नीचे लोहड़ी का प्रोग्राम बढ़िया बॉनफायर सब लोग नाच गाना हो रहा है डांस कर रहे हैं तो मज़ा आया मतलब फेस्टिव सीजन है तो बढ़िया है अब खाने के लिए भी देखते हैं
क्या बन गया है मस्त। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे समोसे बन गए हैं यूपी स्टाइल वाले, जिसमें कुछ भी ना हम काजू डालते हैं, ना बादाम, ना किशमिश, ना मटर, बस वो अपने चटपटे आलू और समोसे बने हुए हरी चटनी के साथ। अभी खाएंगे, आज मेरा तो डिनर यही है। पुदीने की चटनी बनेगी हरी वाली, तो धनिया पुदीना, ये है बाकी के बचे हुए समोसे। अब वैसे थे तो भटूरे वाले समोसे, तो इसलिए जो ऊपर का जो लेयर है वो खस्ता नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें पड़ा था दही, फिर भी जो है जैसे तैसे बन गए हैं। तो ये देखिए, देखने में तो स्वादिष्ट लग रहे हैं, और घर के समोसे की बात ही अलग है, बिल्कुल फ्रेश चीज़, घर की बात। तो अभी खाते हैं, पल्लवी का भी मीटिंग चल रहा है, ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग डिनर करेंगे। और कल के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करना है, अभी बारबेक्यू होगा, तो उसमें हम लोगों को वही चिकन लेग पीस लाने पड़ेंगे, फिर बहुत सारा पनीर और वेज आइटम आएगा, फिश आनी है, क्योंकि हम लोगों ने ताराकांत और दीपिका को भी बोला था, अपने बगल वाले पड़ोसन, तो वो लोग भी आएंगे, तो साथ में बैठ के इंजॉय करेंगे भुज को। तो मतलब इट्स जो भुज होता है मेन असम में बिहू वाला, तो वो कल तो खाना पीना, तो कल हम लोग का है भुज, तो बढ़िया खाना पीना होगा, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो पापा और मम्मी बताएंगे। कल में एक्चुअली 14th ऑफ वही है ना जनवरी, ये हम लोग का पुष महीना बोलता है, पुष महीना अभी, तो कल में भोज बोलता है, भोगाली, भोगाली भोग है। तो आज में आज मतलब अगला दिन आदमी लोग क्या करता है, मच्छी पकड़ता है, बिल बोलता है, जाके मच्छी पकड़ता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ वही सब्जी उब्जी घर से लेके आता है, इकट्ठा होके कम्युनिटी जैसे होके उन लोग वो बनाता है, जो स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ जो है, जो धान काटने के बाद जो रह जाता है उससे उन लोग इसको भेलाघर बोलता है, भेलाघर मीन्स वहाँ में कल रात को जो भोज बनाया कम्युनिटी, जो भोज बनाएगा फिश, वहाँ में मच्छी होगा, मांस होगा, मटन होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब होगा। तो उन लोग खाना वाना खा के रात को द यंगस्टर दे विल स्टे देयर, दिस इज कॉल्ड भेलाघर। द डे नेक्स्ट डे देयर इज वन कॉल संक्रांति, और संक्रांति के डेट उन लोग क्या करते हैं, जो मेदी होता है लकड़ी लेके बना के रेडी करके रखता है, उसको अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, जस्ट सनराइज, एल्डर पीपुल, एल्डरली वन जो है ना, वो जाके उसको पूजा करके उसको जलाता है, उसको तांबुल पान बोलता है समीज में, और कुछ प्रसाद उसे दे, पीठा उठा जो बोलता है, तो वो देके उसको प्रणाम करता है। तो कल एक काम करते हैं हम लोग भी, जब कल निकलेंगे बाहर सामान वन खरीदने, तो तांबुल और जो भी पान का पत्ता जो भी चाहिए है वो सारी खरीद लेंगे, मेजी के लिए थोड़ा सा लकड़ी भी ले लेंगे, और देखेंगे अगर बांस मिलता है, और यहाँ पर बाहर जहाँ पर हम लोग अपना कल बारबेक्यू करेंगे, तो परसों ये पूरा क्लीन करा के सुबह सुबह इसी जगह पे मेजी जला लेंगे, क्योंकि अभी सोसाइटी में तो लोहरी किया, लेकिन वो मेजी के लिए सुबह कुछ ऐसा हुआ नहीं प्रिपेयर, और अर्ली मॉर्निंग नीचे जाके करना तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं बालकनी में करेंगे, छोटा सा करेंगे, एक किसी मिट्टी के उसमें क्या कहते हैं, पॉट है हाँ, फ्लावर पॉट में, जैसे हम लोग जो बोलते हैं परंपरा बोलता है, परंपरा मतलब जो रासालू है, करेक्ट, वही है, वही लेके उसको बनाएंगे हम लोग। हाँ, उसके बाद हम लोग का क्या होता है, खाना वाना होता है, मतलब वो जो पीठा उठा जो होता है, सब खाते हैं, चिरवा, दही, और गोर बोलता है, मिला के जलपान। और उसी टाइम में अगर डे जो आप जो आगे दिन भोज खा रहा, उसी टाइम में तुम देखा रहा लास्ट टाइम, वो बांस का वो है ना, वहां में वो चावल देके सुंगा बनाते हैं, सुंगा पीठा बोलता है, वो सुंगा पीठा भी होगा, उसका साथ में क्रीम भी होगा, क्रीम दही और गुड़, कुमल चावल भी होगा। सो एवरीवन एंजॉय यू सी, ये बोरा राइस भी होगा ना उसमें, बोरा राइस स्टिकी राइस तो उसको बोरा राइस बोलते हैं,
आप लोग भी जैसे पल्लवी पल्लवी बोरा तो उससे कुछ बोरा बोरा नॉट रिलेटेड ना, अब आगे से चल रहा है ना स्टिकी राइस, स्टिकी राइस यू विल फाइंड इट द पीपल ऑफ द जापानीज दे आर आल्सो यूजिंग दिस, इट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड इट इज हाँ हाँ दे यूज टू ईट सम बॉल सुशी दिस इज कॉल्ड सुशी दे आल्सो प्रिपेयर इट फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ राइस स्टिकी राइस स्टिकी राइस सो एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग एंड आल्सो दे यूज टू डू डांस बिहू डांस बिहू डांस बिहू डांस वही पठार में पठार बोलता है जहाँ वहाँ में एकत्र होकर कॉमेडी जो इकट्ठा है कोई नहीं हम लोग भी यहाँ पर करेंगे We'll enjoy. ये हमारा सोनी का स्पीकर बजेगा कल परसों में और वो कौन सा वाला गाना फेमस है अपना असम में झीले ले झीले ले सो ये मजा होने वाला है दो दिन में हम लोग आसाम में तो नहीं है लेकिन फिर भी वो सारा मजा करेंगे भले छोटे वे में करेंगे और वो जो परंपरा है वो बनेगी हम लोग संक्रांति हम मनाते हैं काइट फ्लाइंग विल ट्राई अगर यहाँ पर होती है तो काइट फ्लाइंग करेंगे बट असमीज कल्चर है वो भी मनाएंगे और अपना वाला भी तो अगर आपने हमारे पुराने बिहू वाले जो जो हम लोग 2021 और 2022 में थे आसाम में आपने नहीं देखा तो ऊपर क्लिक कीजिए हम दोनों डाल देंगे और उसमें हम लोगों ने अच्छे से पूरा मेजी जलाया पठार पे गए थे पिकनिक भी किया फिर हम लोग घर पे सूंगा चावल वो सब डाल के सारा जलपान बनाना खाना पीना बहुत कुछ हुआ था फिश सुबह सुबह इतनी सारी मतलब बिल्कुल लाइव फिश मिलती है वो सब मतलब जाइए खरीद के लाइए बहुत चिकन मटन सब बनता है बहुत मजा आता है सो चलिए अपना डिनर तो लग गया है यहाँ पर समोसे हैं और ये तो दाल और ये आलू है जो भरा हुआ है तो ये बहुत ही टेस्टी आलू लगता है खाने में दाल है इसमें शायद रोटी है और राइस है और पल्लवी का ये बर्थडे फ्लावर अभी भी फ्रेश है नीचे पानी में रख दिया था सो चलिए 9 बजने वाला है डिनर का टाइम हो गया है हम लोग अपना खाना खाते हैं और यहीं पर इस वीडियो एंड करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और डेफिनेटली ये भी ट्राई कीजिएगा कि हम लोग का सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लोग का सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है लोग देखते हैं तो सारे वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब हमें अच्छा लगेगा एंड तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर एंड बाय बाय